नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन में राजधानी दिल्ली हिंसा की भेंट चढ़ गई है। इस हिंसा में एक हेड कांस्टेबल सहित 9 लोगों की मौत हो गई है। इस हिंसा में घायल हुए शाहदरा के डीसीपी अमित शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि घायल डीसीपी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये पोस्ट गलत है। डीसीपी अमित शर्मा को होश आ गया है और खबर लिखे जाने तक वो खतरे से बाहर थे। फेसबुक यूजर अश्विनी प्रजापति ने अमित शर्मा की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि दुखद खबर, कांस्टेबल रतनलाल के बाद डीसीपी अमित शर्मा भी नहीं रहे, मुस्लिम दंगा दिल्ली। मंगलवार को न्यूज़ एजेंसी ANI ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि दिल्ली के गोकुलपुरी में सोमवार को दो गुटों के बीच हुई हिंसा के दौरान घायल हुए शाहदरा के डीसीपी अमित शर्मा को अस्पताल में होश आ गया है। सोमवार रात उनकी सर्जरी हुई थी। गौरतलब है कि सोमवार को हुई हिंसा में हेड कांस्टेबल रतन लाल और डीसीपी शर्मा उपद्रवियों का शिकार हो गए थे। इस दौरान डीसीपी शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई थी। चोट लगने पर डीसीपी उन्हें पटपड़गंज स्थित GTB अस्पताल लाया गया था। हालांकि इसके बाद सर्जरी के लिए उन्हें पटपड़गंज स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।